मैं आज पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तथा नेपाल की तलाई में बोली जाने वाली एक भाषा जो दुनिया की सबसे मीठी भाषाओं में शामिल होती है, जिसे नेपाल, फिजी और मॉरिशस में राष्ट्रीय संवैधानिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, जिसके बोले जाने वाले 2011 के आंकड़ों के हिसाब से भारत में आज 6 करोड़ हैं और पूरी दुनिया में 20 करोड़ लोग हैं। आज मैं उस भाषा को और उस भाषाभाषी इन क्षेत्र के नागरिकों की पीड़ा को प्रतिनिधि होने के नाते आपके बीच में रख रहा हूँ। महोदय, उत्तर प्रदेश के बलिया, वाराणसी, चंदौली, गोरखपुर, महाराजगंज, गाजीपुर, मिर्जापुर, मऊ, जौनपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर और आजमगढ़, बिहार के बक्सर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, भोजपुर, रोहतास, बक्सर और भभुआ, झारखंड के पलामू और गढ़वा, और इसके अलावा नेपाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा और दुनिया के 40 देश। ये एक ऐसी भाषा है जिसको बोलने का काम यहाँ के लोग करते हैं। महोदय, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में विश्व के 154 भाषाओं को अधिक स्थान दिया गया है और हम गर्व के साथ कह सकते हैं एक भोजपुरी भाषा के हिस्सेदार होने के नाते कि भोजपुरी उनमें से एक भाषा है। महोदय, भोजपुरी एक संपूर्ण पूर्ण भाषा है और मूलतः इसकी उत्पत्ति संस्कृति और उसके संस्कृत और उसके बाद मागधी प्रकृति से हुई है। महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि जो भाषाएं आज 8वीं शेड्यूल में शामिल हुई हैं, गुजराती के बोलने वाले 5 करोड़ 50 लाख, उर्दू के बोलने वाले 5 करोड़ 7 लाख, भोजपुरी के बोलने वाले 5 करोड़ 5 लाख, कन्नड़ के बोलने वाले 4 करोड़ 35 लाख, मलयालम के बोलने वाले 3 करोड़ 27 लाख, उड़िया के बोलने वाले 3 करोड़ 40 लाख, पंजाबी के बोलने वाले 3 करोड़ 11 लाख, राजस्थानी के बोलने वाले 2 करोड़ 58 लाख, छत्तीसगढ़ी के बोलने वाले 1 करोड़ 62 लाख, आसामी के बोलने वाले 1 करोड़ 48 लाख, मैथिली जो भोजपुरी की एक बहन भाषा है उसके बोलने वाले 1 करोड़ 33 लाख, संथाली के बोलने वाले 69 लाख 73 हजार, कश्मीरी के बोलने वाले 65 लाख।